हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में गांव में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं गांव में कितना हरा भरा माहौल है और यहां पे होती रहती है। एक स्टिक खिलाओ, जल्दी खिलाओ, जल्दी खिलाओ, समय नहीं है। ब्लॉग से बड़ा पैसा है। पोपे 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 ये पोपे गांव के पोपे पोपे भैया कहाँ जोता जाते है। तो गांव की खूबसूरती देख सकते हैं दोस्तों, हरा भरा हुआ है। और ये गड्डूलाल की फसल है जिसमें इनका एक भी हिस्सा नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। ये जब धान बिकेगा तो कुछ लोग इससे दारू पियेंगे बेच के। अब नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे हूँ, कोई भी मानवाधिकार का हक उल्लंघन का आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर, तो ज्यादा नाम नहीं लूंगा। लेकिन बस ये जानिए दारू पीने के लिए। और दोस्तों कमेंट करिए अगर आप इस गाँव को जान रहे हो, ये कौन सा गाँव है, ये चौराहा आपको दिखा दे रहा हूँ गाँव का। अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो इसका नाम मेंशन करिए नीचे कमेंट में, फिर आगे हम बताते हैं आपको। ये गड्डूलाल का घर द्वार है, यहाँ पे इनका आना जाना लगा रहता है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लेते हैं देखिए, ये 5 रुपए की बिस्किट ले रहे हैं। देखिए अब मैं नाम नहीं लूँगा। ये कटाई का सीजन है और मशीनों की लाइन लगी हुई है दोस्तों। पटेल एंड ब्रदर्स की सारी मशीनें खड़ी हैं और यहाँ देखिए पूरी काटने के लिए पूरी फसल बची हुई है। और आज कटाई का काम जोरों से होगा। तगड़ी लग रही ना मशीनियाँ। देखिए दोस्तों धान गिर चुका है कुछ। देखिए दोस्तों छोटी सी खेती और कुछ लोग इसमें बीच में से ही घुस जाते हैं। देखिए फसल की कोई कीमत नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे जगह पे बैठी थी बिल्ली, लेकिन उससे बड़ा यहाँ पे बिलार पहुँच गया है। और देखिए दोस्तों इसको कहते हैं मड़ई। तेरी आँखों की दुआ है। तो देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और पूरा यहाँ पे हरा भरा हुआ सब्जी लगी हुई है। और अभी तक के लिए इतना ही, बाकी आगे आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। तो आपको मड़ई में हम आ चुके हैं और आप मेरे ऊपर जितना पूरा मड़ई है गांव में जिसको मड़ई कहते हैं। और चलिए आपको हम बाद में दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही।